में सपा पार्षद बंटू यादव को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। गोली लगने से पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पार्षद को गोली लगने की खबर जैसे ही उनके समर्थकों को लगी तो उनके समर्थकों ने पुलिस और प्रशासन अधिकारियों पर पथराव किया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर कई आला अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि शव यात्रा में सपा पार्षद गए हुए थे, उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने सिर में गोली मार दी। गंभीर अवस्था में बंटू यादव को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने संदेह पर चार लोगों को हिरासत में लिया है। और ऐसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ का रुख करते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, ये पूरा घटनाक्रम जैसा कि आपने देखा, सपा पार्षद बंटू पर किस तरह से अज्ञात बदमाशों ने हमला किया है, तो क्या माना जाए, ये कोई राजनीतिक द्वेष की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, राजनीतिक द्वेष तो नहीं कहा जा सकता, इसको आपसी रंजिश कहा जा सकता है। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के ये हमला हुआ है। बंटू यादव नरही क्षेत्र के सभासद थे और बीते लगभग तीन बार से वो वहाँ पे सभासद रहे हैं। बीच पहले वो बसपा में थे, बाद में सपा में आ गए थे। और बंटू यादव लगातार जो जमीनी विवाद था उसमें कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी रहते थे। जियामऊ में प्लाट को लेकर के विवाद हो, चाहे क्षेत्रीय विवाद हो, क्षेत्र में भी उनके एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था जिसमें जो बिल्डर थे उसका नाम सामने आया था, उसका जमकर विरोध किया था बंटू यादव ने। लगभग तीन चार साल पहले की ये घटना है। और बंटू यादव की जो ये हत्या हुई है, हम आपको साफ कर दें, अपने दर्शकों को बता दें कि बंटू यादव का घर लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। वहां से 600 मीटर की दूरी पर उनके मित्र की माताजी का देहांत हो गया था, जिसकी शव यात्रा निकालने की लगभग तैयारी हो रही थी। बंटू यादव वहां पर पहुंचे और उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाया ही था कि बगल में खड़े होकर एक व्यक्ति ने उनकी कनपट्टी से सटाकर गोली मारी थी। घटना पर ही वो मर गए थे, सॉरी माफ करिएगा, उनके जख्मी हो गए थे, पूरी तरह से घायल हो गए थे। लेकिन आनन फानन में उनको परिजन वहां से उठा करके सिविल अस्पताल ले गए थे। लेकिन जो बदमाश थे वो लगभग 200 से 250 आदमी वहां पर शव यात्रा में मौजूद था जाने के लिए, किसी ने भी बदमाश को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो भी वही क्षेत्र का एक दबंग व्यक्ति है और अभी कुछ दिन पहले ही वो जेल से छूट करके आया है। ऐसे में जो पुलिस की लगभग जो घटनाक्रम है उसको पूरी तरह से पुलिस लगभग दो तीन लोगों को हिरासत में कल ही उसने ले लिया था। दोपहर में घटना के लगभग दो घंटे बाद एक व्यक्ति को उसने हिरासत में लिया था। सूत्रों के आधार पर जो हमें जानकारी मिल रही है, पूरी तरह से घटनाक्रम खुल चुका है, लेकिन पुलिस अभी आधिकारिक तौर से इसकी घोषणा नहीं कर रही है। इसमें बिल्डर का भी हाथ है, वहां के जो क्षेत्रीय जो वर्चस्व की लड़ाई थी जिससे बंटू यादव का 36 का आंकड़ा चलता। कुल मिलाकर अभी चार अज्ञात लोगों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोई आधिकारिक किसी बात की फिलहाल पुष्टि होती नजर नहीं आ रही है।